दोस्तों मंडे फैक्ट टेक्नोलॉजी के एक कमाल के एपिसोड में आपका स्वागत है। हर मंडे को हम टेक्नोलॉजी फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 10 इम्पोर्टेंट बड़े ही मज़ेदार टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट्स। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहला फैक्ट आता है, वो आता है क्रेडिट कार्ड को लेकर। अगर आप भी यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड चिप वाला, तो मैं आपको बता दूं, जो आप यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड चिप वाला, वो अभी की ही तो कोई पहचान है। वो 1986 से हमारे अगल बगल वो चिप दिख रही है। मीन्स 1986 में पहली बार क्रेडिट कार्ड का इन्वेंट किया गया था, जिसे फ्रांस ने पहली बार यूज़ किया था, और फिर उसके बाद सब लोग कॉपी करते गए और आज हम लोग करते हैं क्रेडिट कार्ड यूज़ चिप वाला। तो वो अभी की टेक्नोलॉजी है नहीं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला जो फैक्ट आता है वो है एलेक्सा के ऊपर। अगर आप भी एलेक्सा को यूज करते हैं, एलेक्सा गाना बजाओ ऐसा कुछ, तो आपको मैं आपको बता दूं, जो एलेक्सा है वो आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करता है और अपने सिस्टम में रखता है, क्योंकि वो अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है। या फिर कह सकते हैं आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो भी शायद एलेक्सा सुन ले और उसे अपने सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। इवन इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं मैनुअली, लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, ये एक फैक्ट है कि एलेक्सा आपकी वॉइस को सारी रिकॉर्ड करके रखता है अपने फर्दर यूज़ के लिए। तो अगला फैक्ट आता है, वो आता है रीड फास्टर एंड स्लोअर। देखा होगा आपने, अगर आप कभी कभी स्क्रीन पर पढ़ते हैं तो आप स्लोली पढ़ पाते हैं कोई भी चीज़ को, एज़ कम्पेयर टू बुक या फिर पेपर को लेके। मैं आपको बता दूं, जो आप नॉर्मल पढ़ते हैं किसी भी बुक से या फिर कुछ पढ़ते हैं, तो आपकी पलक झपकाने की जो लिमिट होती है वो 1 मिनट में 22 बार होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो स्क्रीन पे आप पढ़ते हैं तो वो सिर्फ 7 रह जाती है 22 से घट के। तो ये एक वियर्ड सा फैक्ट है, मुझे भी अजीब लगा कि कोई स्क्रीन पर इतना तेज नहीं पढ़ पाता है जितना कि नॉर्मली कॉपी या फिर कोई पेपर पे पढ़ पाता है। तो अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं, वो आता है GPS को लेकर। अगर आप भी यूज़ करते हैं GPS, बेसिकली सबको पता है कि GPS तो एक फ्री सर्विस है, लेकिन मैं आपको बता दूं GPS में रोजाना $2 मिलियन खर्च होता है उसको मेंटेनेंस के लिए। सबके लिए फ्री है, लेकिन $2 मिलियन खर्च होता है गूगल का या फिर कह सकते हैं GPS का। तो वो कहाँ से आता है? वो आता है अमेरिकन फंड से। तो वो अमेरिकन फंड टैक्स से जो भी टैक्स आता है अमेरिका में, वो सीधा GPS को दिया जाता है और GPS यूज़ करता है, जिसलिए वो मेंटेन है $2 मिलियन रोज के खर्चे के कारण। अगला फैक्ट आता है, वो है MS कंप्यूटर के ऊपर। अब मुझे तो नहीं पता है MS का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि ना वीडियोस के लिए बनाए जाते हैं, ना मूवीज़ के लिए, ना सॉन्ग्स के लिए, लेकिन ये बनाए जाते हैं वर्ड रिकॉग्निशन के लिए, या फिर कह सकते हैं किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, या फिर कह सकते हैं छोटे छोटे टास्क करने के लिए, ड्राइंग के लिए। इन्हें बोलते हैं MS कंप्यूटर। मुझे नहीं पता ये क्यों बनाए गए हैं। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं, वो आता है फर्स्ट कंप्यूटर माउस को लेकर। आप देखिए, ऐसा था कुछ फर्स्ट कंप्यूटर माउस, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर ये रेक्टेंगुलर टाइप का था और इस पे ऊपर एक छोटा सा बटन था और ये इसमें से एक केबल सी निकाली गई थी। तो ये जो लकड़ी का माउस था, ये 1964 में इन्वेंट किया गया था, और मैं आपको बता दूं ये एक रेक्टेंगुलर शेप में था, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये एक लकड़ी का था। और इसका माउस नाम इसलिए रखा गया था, जैसे ही इसमें से केबल निकाली थी तो ये एक माउस की पूंछ की तरह दिख रही थी, तो इसी को देखते हुए माउस इसका नाम रखा गया। और इसका जो इन्वेंट किया था वो डॉग एंजल बर्ज ने किया था। डॉग का मतलब वो नहीं, डॉग एंजल बर्ज, जिसका नाम आप देख सकते हैं। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं, वो आता है एक्सबॉक्स को लेकर। अगर आपने एक्सबॉक्स भी यूज किया है तो आपने कई सारे उसमें साउंड भी सुने होंगे। मैं आपको बता दूं, जो एक्सबॉक्स में साउंड थे, जो पहली बार एक्सबॉक्स आया था, तो वो जो साउंड थे वो अमेरिकन मिशन अपोलो से लिए गए थे। अपोलो में जो अंतरिक्ष में जो भी मिशन हुए थे, जो उनकी कंजर्वेशन थी, आवाज़ थी, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ था, वही साउंड रियल एक्सबॉक्स में डाले गए थे। तो ये भी एक मज़ेदार फैक्ट है। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं, वो आता है अगला जो फैक्ट आता है, वो आता है USB को लेकर। देखिए भाई, अगर आप अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में USB लगाते हैं तो 86% लोग ऐसे होते हैं कि USB उसे हमेशा गलत लगाते हैं। मैं आपको बता दूं, कभी भी आप लगाना अपनी USB को, आपको कभी कभी वो गलत भी लग जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जो उसकी नॉज रहती है वो ऊपर की ओर रहती है, जो टिप सी निकली रहती है, और ऊपर की तरफ ही सब लोग लगाते हैं, लेकिन उसे घुमाकर लगाना चाहिए। तो ये एक 80% लोग गलत ही लगाते हैं, ये एक फैक्ट है। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं, वो आता है फर्स्ट अलार्म क्लॉक को लेके। जो फर्स्ट अलार्म क्लॉक इन्वेंट हुई थी, मैकेनिकल क्लॉक, तो उसमें सिर्फ एक ही टाइम पर अलार्म लगाया जा सकता था, वो था सुबह के 4 बजे। क्या आपको बीएड सब्जेक्ट है? सिर्फ एक ही टाइम अलार्म लगाया जा सकता। लेकिन जब से 1876 में नई क्लॉक आई विंड अप, तब से ये अलार्म क्लॉक का टाइम चाहे जब सेट किया जा सकता था, लेकिन अब वो नहीं रहा कि 4 बजे ही अलार्म सेट होता था। चलिए अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं, वो आता है कंप्यूटर सिक्योरिटी डे को लेकर। 30 नवंबर को कंप्यूटर सिक्योरिटी डे मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कंप्यूटर सिक्योरिटी डे जो 30 नवंबर है, इसमें सब अपने कंप्यूटर्स में ये देखें कि कहीं किसी कंप्यूटर में वायरस तो नहीं है, कहीं किसी कंप्यूटर में कोई बग तो नहीं है, या फिर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बनाया गया था। और इसमें यह भी देखा जाता है कि कई सारे लोग अपने पुराने पासवर्ड्स को चेंज करके नया पासवर्ड लगा दें, जिससे उन्हें भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो यही थे कुछ 10 कमाल के फैक्ट जो मैंने आपको बता दीजिए। बता रहा हूँ कौन सा फैक्ट आपको बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना,
देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल मिलते हैं।